मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में मिली भाजपा की प्रचंड जीत पर कहा कि इस जीत से देश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और हमारी सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ताओं के समर्पण का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल चुनावों में झूठ और भ्रम फैलाते रहे हैं, ऐसी राजनीति को जनता ने अपने वोट से जवाब दिया है। मैं इस जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आम जन की धारणा, एक किसान की धारणा, एक युवा की धारणा, एक महिला की धारणा, एक मजदूर की धारणा, यह धारणा है कि अगर इस देश में कोई भला कर सकता है उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और वही राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2023 के चुनाव में और आज के चुनाव में 15% वोट राजस्थान की जनता ने हमको ज्यादा दिया है, 15% वोट हमको ज्यादा दिया है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे जो ये दो नेता यहाँ मंच पर खड़े हैं उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई है। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बकौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा, किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था और यह चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहाँ खींवसर में चलती,